हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं एक और नई वीडियो लाया हूँ आपके लिए, जो कि मेरी साइट पर एक क्यूमिंस का डीजी है जो 35 kV है। तो देखिए, इसकी जो सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और सेफ्टी किस तरीके से काम करती है ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 35 kV है जनरेटर है, तो आपकी हेल्प के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी। तो देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखिए, जो हमारा जो जो डीजी है ये 35 kV का है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, 35 kV का डीजी है। तो हम इसकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, जो कि इसकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी होती है। तो अगर वो सेफ्टी नहीं है तो हमारे डीजी में कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी क्या, सीज भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, और अगर इसका ल्यूब ऑयल अगर चला जाता है तब भी ख़राब होता है। तो एक एक सेफ्टी मैं दिखाऊंगा और एक एक सेफ्टी के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, ये हमारा ये थोड़ा सा पुराना डीजी है, करीब 4 साल पुराना डीजी है। तो देखिए, इसकी सेफ्टी के बारे में बताऊँगा। अभी भी मेरी साइड ये पूरी ऑटो में कम्प्लीट है, ऑटो में रहती है मेरी साइड ये। तो देखिए, जो सेफ्टी है, सबसे पहले जो जो मेन चीज़ पर आ जाते हैं, अगर हमारी सोलेनोइड नहीं है, अगर हमारी डीजी में सोलेनोइड नहीं है तो हमारी सारी सेफ्टी ख़राब है। नहीं हमारी LLOP काम करेगी और ना ही हमारा SCT काम करेगा, ठीक है, या हाई वाटर टेम्परेचर या जो भी कोई सेफ्टी लगी हुई है डीजी में, वो कोई काम करने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे मेन हमारी स्टॉप सोलेनोइड है, क्योंकि जब हमारी सेफ्टी काम करेगी तब हमारी स्टॉप सोलेनोइड ही हमारे डीजी को बंद करने का काम करती है, ठीक है। जो भी सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर लगा हुआ है, ये RPM सेंसर है, ठीक है, और ये हमारी LLOP लगी हुई है, और उधर की तरफ दिखाऊंगा तो हाई वाटर टेम्परेचर का भी लगा हुआ है अलार्म, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी जो सोलेनोइड लगी हुई है, अगर हमारी है तो सभी सेफ्टियों के संग में ये काम करती है। क्योंकि जब सेफ्टी प्रॉब्लम देगी या ल्यूब ऑयल प्रेशर कम हो जाएगा या हमारी LLOP ख़राब हो जाएगी, तभी हमारी जो अलार्म जाता है, ठीक है, ये वाला क्या है, जो अलार्म जो जाता है इसमें, जो NO है हमारा, ठीक है ना, NO में होकर के निगेटिव जाता है, जब हमारे कंट्रोलर को पता चलता है कि हमारे जो LLOP या तो काम नहीं करती, अगर ऑयल प्रेशर कम होगा तभी भी हमारा जो निगेटिव है वो होकर के जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो LLOP है, LLOP क्या है, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, यानी कि ऑयल का जो प्रेशर है उस पर काम करती है। अगर हमारा ल्यूब ऑयल कम है तो तब हमारा LLOP काम नहीं करेगा, और ख़राब भी हो जाएगी तब भी हमारा DG स्टॉप हो जाएगा, अगर LLOP ख़राब होने पर भी, और प्लस अगर ऑयल प्रेशर कम हो जाएगा तभी भी हमारी DG बंद हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑयल कम है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो अगर जो भी हमारे जो अलार्म होते हैं, तो हमारे अलार्म यहाँ पे भी जो इसका जो पैनल दिया हुआ है, कंट्रोल पैनल जो दिया हुआ है, इसमें भी हमारा दिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बैटरी चार्जर फेल्ड, ओवर स्पीड, ल्यूब ऑयल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर, तो ये सभी अलार्म इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो सभी अलार्म लगे हुए हैं, तो देखिए हम एक एक सेफ्टी चेक कराएंगे कि किस तरीके से हमारी जो सेफ्टी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हमें किस तरीके से पता चलेगा। तो हम अभी DG ऑन करेंगे, तो DG ऑन करने के बाद में हम सबसे पहले LLOP की ही सेफ्टी हम, ठीक है, तो वो LLOP की सेफ्टी से ही हम चालू करते हैं। तो देखिए, LLOP का जो निगेटिव है, वो जो निगेटिव जो जाता है हमारा, यहाँ से हमारा इससे बॉडी से होकर के, जब हमारे सेंसर से होकर के जाता है, जब हमारा या तो ऑयल प्रेशर कम होगा या LLOP हमारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारा नहीं तो ऑटो में जनरेटर चालू होगा, अगर चालू हो जाएगा तो तुरंत ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा LLOP का अलार्म दिया हुआ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जो जो कनेक्टर है, 3 पोर्ट का कनेक्टर है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो हमारा जो सेंसर का जो पैनल में जो गया हुआ है, तो वो ये वाला वायर गया हुआ, तो अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ, जो NO वाला है, ठीक है। तो ये कॉमन है और NC है, तो हमें क्या है, NO पे देना है, ठीक है। तो NO पे अभी मैं चेक करके दिखा देता हूँ, पहले जनरेटर हम चालू करते हैं, तो थोड़ी मेरी आवाज़ कम आएगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, जब मैं इसको चेक करूँगा तो आपको बोलता भी रहूँगा लेकिन आवाज़ कम आएगी, लेकिन आपको ये पता चला है किस तरीके से हमें LLOP का चेक करना है। तो देखिए, अब हम अपना जनरेटर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जो हमारी LLOP है, LLOP क्या है, जो सोलेनोइड जो है, सोलेनोइड क्या है, इसकी स्टॉप सोलेनोइड अभी क्या है, अभी बंद है, जब
काफ़ी सारी जो जनरेटरों में हमारी जो सोलो नाइट लगी होती है, मैं सोलो नाइट के बारे में बता देता हूँ इसकी में, तो वो सोलो नाइट जब हमारी यानी कि स्टोव की कमांड आती है तभी उतने टाइम पे ही काम करती है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, जब जनरेटर हमारा स्टार्ट होता है तभी हमारी ये वर्किंग होती है, यानी कि जब ही हमारी सप्लाई आ जाती है और हमारी स्टोव सोलो नाइट काम करने लगती है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये वाला जो अभी इसकी पावर ऑफ है, यानी कि जब हमारी डीजी चालू होगा तब हमारी ऑन हो जाएगी। तो जब स्टॉप होता है या कोई भी सेफ्टी से बंद होता है तो इसकी सप्लाई जो है वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि ब्रेक हो जाती है कंट्रोलर से और स्टॉप सोलना और डीजी हमारा बंद हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अभी हम जनरेटर अपना स्टार्ट करते हैं। जनरेटर स्टार्ट हो गया है और मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमें सेफ्टी चेक करनी है। तो देखिए दोस्तों ये हमें कनेक्टर निकाल लेना है और मैंने बताया था जो एनओ का है, जो हमें एनओ का जो लेना है तो हमें क्या करना है, यहाँ से वायर डालना है और प्लस हमें बॉडी पे लगा देना है, यानी कि बॉडी में हमारा निगेटिव आता है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो अलार्म है वो LLOP का जनरेट होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा जो हमारा NO है और NO पे ही हमारा निगेटिव जाता है, या तो हमारी LLOP ख़राब हो जाए या हमारा ल्यूब ऑयल प्रेशर कम हो जाए, तभी हमारे कंट्रोलर को पता चलता है जब हमारा निगेटिव पास हो जाता है, ठीक है NO से। तो देखिए ये मैंने चेक करा दिया है, अब हम करवाते हैं हाई वाटर टेम्परेचर का, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों अब इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए जूम करके दिखा दूँ, अभी थोड़ा सा इस पर वो आ रहा है। तो ये देखिए ये वाला जो है इसकी भी लाइट जल गई है, LLOP की दिख रही होगी, रेड कलर की जल गई है। तो देखिए ये हमारा LLOP का अलार्म जनरेट हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो पर चलते हैं। देखें जब हमारा LLOP ख़राब हुआ तभी हमारी सोलो नाइट ने DG बंद किया, अगर सोलो नाइट ही नहीं होगी तो हमारा DG बंद ही नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सेफ्टी के संग संग सभी चीज़ जरूरी है, ये हमारे DG की बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जो भी सेफ्टी है, ज़्यादातर सब जरूरी सेफ्टी होती है, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जो कि DG की सेफ्टी के लिए ध्यान में रखा जाता है, तभी उस सेफ्टी को तैयार किया जाता है। तो देखिए जैसे ऑयल प्रेशर की है तो मैंने बता दिया LLOP के बारे में, अब चलते हैं हम जो हाई वाटर टेम्परेचर HWT के तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम दूसरी तरफ आ गए, मैं केवल वही सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ जिससे कि हमारा DG बंद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो ये भी ऑयल प्रेशर का जो सेंसर लगा हुआ है, ये हमारे मीटर में वायर जाते हैं सीधे, जिससे कि हमें पता रहता है कि हमारा प्रेशर अभी प्रेजेंट में कितना चल रहा है। तो देखिए हमारा जो हाई वाटर टेम्परेचर का है, देखना ये हमारे रेडिएटर में जो होज पाइप गया है, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों जो हमारा होज पाइप आया हुआ है उसी के पाइप पर ये सेंसर लगाया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये भी होज पाइप हमारा कनेक्ट है जो कि वाटर सप्लाई को कनेक्ट कर हुआ है। तो देखिए जो हमारा जो इसमें जो ब्लॉक में जो ये पाइप गया है इसी पर ही हमारा जो वाटर टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, लेकिन हमारा जो कंट्रोलर को जाएगा वो निगेटिव ही होकर के जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो दूसरा जो सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर जो ये सेंसर लगा हुआ है ये हमारा जो मीटर पर है, यानी कि जो मीटर पर जो हमारा प्रेजेंट में जो टेम्परेचर बताएगा मीटर में कि हमारा टेम्परेचर अभी कितना है प्रेजेंट में, ये वो वाले वायर है, वो वाला सेंसर है जिससे कि हमारे टेम्परेचर का पता चलता है। तो देखिए ये हमारा वाटर टेम्परेचर जो हमारा सेफ्टी पर काम करता है जिससे कि हमारा DG बंद हो जाता है, यानी कि जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तभी हमारा जनरेटर बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम इसको जनरेटर को चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सेफ्टी काम करती है। प्लस मैंने आपको बताया सोलो नाइट जरूर ओके होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी सेफ्टी हमारी सारी सेफ्टी खराब है, यानी कि हमारा DG हमारा खराब होना तो है अगर हमारी साइड ऑटो में है, क्योंकि ना ही हमारा टेम्परेचर का पता चलेगा क्योंकि कब हमारा रेडिएटर में से कूलेंट खराब हो जाए या होज पाइप लीकेज हो जाए, ठीक है ना दोस्तों, या रेडिएटर लीकेज हो जाए, तो जब हमारे इसमें कूलेंट नहीं रहेगा तभी हमारा टेम्परेचर काफी एकदम हद तक बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारी सेफ्टी काम करती है और सेफ्टी काम करने के बावजूद हमारी स्टोव सोलो नाइट से हमारा DG बंद हो जाता है। तो देखिए अभी मैं जनरेटर चालू कराता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये सेफ्टी हमारी ओके है, अगर ओके नहीं होती क्योंकि हमें फिर सेंसर चेंज करना पड़ता है तभी हमारी सेफ्टी ये वाटर टेम्परेचर की काम करती है। तो देखिए मैं DG चालू करवाता हूँ। हाँ तो जनरेटर चालू कर दो जरा। तो देखिए हमारा जनरेटर चालू होने वाला है, जनरेटर मेरा चालू हो गया है और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से मेरी सेफ्टी काम करती है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अभी हम क्या है, इस कनेक्टर को निकाल लेंगे जो हमारा कनेक्टर लगा हुआ है। तो देखिए ये वाला कनेक्टर मैंने निकाल लिया है, इधर से हमें जो निगेटिव जो पास करना है वो इधर से हमें सेफ्टी चेक करनी है।
सारा एक लूपिंग ले लेनी है और इसको यहाँ से शॉर्ट कर देनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए हमारा जनरेटर स्टॉप हो गया है, क्योंकि हमारी जो सेफ्टी है इसी तरीके से हमारी काम करती है, क्योंकि हमारा जो इसमें से निगेटिव ही पास होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये भी हमारी सेफ्टी कंप्लीट हो गई है, और मैं बता दूँ सेफ्टी सब कंप्लीट होनी चाहिए जब भी हमारे डीजी की लाइफ ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलती है, क्योंकि अगर सेफ्टी हमारी ठीक नहीं होगी तो हमारी किसी भी प्रॉब्लम से जनरेटर हमारा सीज हो सकता है, ओवरहीट हो सकता है और ओवरहॉलिंग की कगार पर आ सकता है। तो ध्यान रहे जो भी सेफ्टी है, अभी इसमें हाई वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी दी हुई है और जो LLOP की सेफ्टी दी हुई है जो मैंने आपको क्लियर करा दी है, और जो भी सेंसर लगे हुए हैं यानी कि जो ओवर स्पीड का जो अलार्म है उससे भी हमारा ओवर स्पीड का अलार्म आ जाएगा जो कि हमारे पैनल में दिख जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए और आगे भी मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए किर्लोस्कर और महिंद्रा की सबकी सेफ्टी की भी जो वीडियो है वो लाता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे आगे मैं आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाता रहूँगा।